हेलो करा, हेलो बुन हेलो हाथान भी करा। हाँ हेलो। ये देखो मेरे बड़ा जी हैं, ये ताऊ जी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मेरा प्रणाम, मैं नीलम राणा, स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 11 बजे, मतलब 11 बज चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले हमारा नाश्ता पानी हुआ है और बाकी यहाँ पे आग जली हुई है और बारिश तो कंटिन्यू लगी रही है। और ये देखो आग जली हुई है, इस पर गर्म पानी रख दिया है खाना बनाने के लिए। और सुबह सुबह आज मेरी भाभी लगी हुई है कपड़े धोने पे, यहाँ पे कपड़े धो रही है। और बाकी दोस्तों मौसम की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया सुबह से कंटिन्यू बारिश ही हो रही है। ये देखो इधर उधर सारे कोहरा लगा हुआ है, यहाँ ऊपर से लेकर और यहाँ तक, और बारिश भी अभी बारीक बारीक सी हो रही है। और इससे पहले भयंकर वाला रवाड़ा आ रहा था बारिश का, और कोहरा तो ऐसे लगा हुआ है जैसे सावण भादों का महीने का होगा। और बाकी इस साइड हल्की सी धूप भी आने लग गई है, और मतलब वैसे ही बारिश भी और धूप भी एक ही साथ आ रही है। देखो इतने कपड़े धो दिए हैं थोड़े थोड़े, तो कुछ नहीं रहा इधर उधर। बाकी आज मैं 9:30 बजे उठी हूँ, वैसे तो मैं ऐसे ही उठती थी, मतलब उठ जाती थी जल्दी, चाय वगैरह पी के फिर बिस्तर में चली जाती थी, लेकिन आज मैं आराम जल्दी। और दोस्तों आरोही ऊपर है अपने ताऊ जी के साथ ऊपर के रूम में, और बाकी मैं रसोई घर में हूँ। मैंने अभी मुंह भी नहीं धुला, नाश्ता पानी तो कर लिया है लेकिन अभी मुंह धोने का मेरा मन ही नहीं कर रहा भाई, इतनी भयंकर ठंड हो रही है ना, मन ही नहीं कर रहा हाथ मुंह धोने का। हाथ मुंह तो धोने तो हैं ही, उसके बाद देखते हैं आज क्या क्या काम होता है। कल के दिन तो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया भाई, घर में ही बैठे रहे मस्त करके, कुछ भी काम करने का मन नहीं था कल, और आज भी मुझे वैसे ही लग रहा है, मूड तो हो नहीं रहा काम करने का। आरोही ने देखो सुबह सुबह मेरे बाल पूरे खींच के ऐसे मुझे पागल जैसे बना दिया, मैंने उसकी गुड़िया को मारा, उसने मुझे मारा भाई, उसको अपनी गुड़िया ना हमसे भी प्यारी है तो उसने मुझे मारा, तो मेरे पूरे बाल वगैरह खींचे। तो ये देखो कुछ ऐसा कर रखा है उसने, मेरी चुपली अभी, मेरी हालत कुछ ऐसी हो रखी है। बाकी मिलते हैं आप थोड़ी देर में, तब तक वीडियो में बने रहिए। तो दगड़ियों 11:30 हो चुके हैं, 11:30 बजे मस्त वाली धूप आ चुकी है, और यहाँ देखो आसमान का ये सारा मतलब बादल बुदल थोड़े बहुत हट चुके हैं, और यहाँ नीचे पे है जसवीर, वो बोल रहा है मेरे को भी निकाल वीडियो में। और बाकी ये देखो अभी व्यू भी मस्त वाला दिख रहा है, और 11:30 बजे तक मेरी भाभी कपड़े वगैरह छत में डाल रही है और मैं भी भाभी के साथ छत में आई हूँ। और बाकी धूप तो आप देख ही सकते हो मस्त वाली आ चुकी है, अभी तो मतलब वो हो रखा था फिर भी बादल लगे हुए हैं, इस साइड भी देख सकते हो आप बादल मतलब अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन भरोसा नहीं है मौसम का कब बदल जाए। ये बोलते हैं ना चेत वाला जिद्दियों, मतलब उसी टाइम धूप और उसी टाइम बारिश होती है। और ये देखो यहाँ ऊपर मेरे पीछे में ताई जी यहाँ बांध के कीड़ों को साफ कर रही है, उनको बांधेंगे। और यहाँ पे देखो बारिश मतलब पहाड़ों की औरतों को बारिश में भी मतलब बैठने का मौका नहीं मिलता भाई, जैसे कि मेरी भाभी सुबह सुबह लगी है कपड़ों धोने पे, यहाँ पे ताई जी लगी हुई है लकड़ी लकड़ी वो पेड़ बांधने पे, तो सब लोग अपने काम पे लगे हुए हैं लगभग ही। और मैंने अभी मुंह धोया है तो मैं इसलिए इतनी अच्छी दिख रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो आरू और अपेक्षा का गजब वाला डांस चल रहा है, मेरे ये वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे। Thank you.
तो गाइस आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था मस्त वाली धूप आ रखी थी और अभी फिर से देखो बारिश आने लग गई है इस साइड से पूरी यहाँ से ये वाइट वाइट जो दिख रही है बारिश ही आने लगी है। यहाँ पे आरोही आरोही की बन अपनी चुपली पे धमेली लगा रखी है, हमने धमेली पे चुपली लगा रखी है और बाकी बारिश फिर से होने लग गई है, बारीक बारीक बारिश यहाँ से आने लग गई है ये देखो। और इस साइड से भयंकर वाली ज़्यादा बारिश आने लग गई है और ठंड भी तो भयंकर हो रही है। अभी कितनी मस्त वाली धूप आ रखी थी और फिर से आप देख सकते हो भयंकर वाली बारिश आ रही है यार, और ठंड भी हो रही है, बतवाणी वाली बारिश आ रही है ना, मतलब बतवाणी का मतलब होता है हवा भी और बारिश भी एक साथ आ रही है, तो ऐसे में भयंकर वाली ठंड लग रही है। और बाकी वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फुल सपोर्ट दोस्तों है मेरे भैया को। देखो ठंड की वजह से टोपी भी रख रखी है, जैकेट की टोपी भी रख रखी है। तो अभी एक बार मैं पूरा व्यू दिखाती हूँ आपको, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये देखो दोस्तों ये पूरी यहाँ से ना ये पूरी बारिश ही आ रही है, ये वाइट वाइट ऊपर की साइड जो दिख रही है तो ये बारिश ही है, यहाँ ऊपर से तो कुछ ज़्यादा ही बारिश आने लग गई है। और बाकी ये देखो आरोही को देखो इधर उधर भाग रही है भाई, और टाइम भी हो चुका है 12:30, 12:30 बज चुके हैं, 11:30 बजे तक मस्त वाली धूप खिली हुई थी और 12:30 बजे फिर से बारिश होने लग गई है। तो इसे कहते हैं चेतुला दियो, चैत के महीना का दियो आसमान, मतलब ऐसा ही होता है, 5 मिनट में बारिश और 5 मिनट में मौसम सही। ये देखो इसके नखरे देखो भैया, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मेरे पिछू पिछू आ रही है, और यहाँ पे इसकी ये गुड़िया है, इसकी वजह से मैंने सुबह भयंकर वाली मार खाई है, क्या डाली की। और यहाँ पे मेरी मम्मी खाना बना रही है, तो ये रखे हुए हैं घरिया चावल मतलब भात, और पीछे को उसमें रखे हुए हैं कापला, तो मेरी मम्मी आज कापली भात बना रही है। और चूल्हे में ठंड के टाइम पे चूल्हे में खाना बनाने का मजा ही अलग होता है। ये देखो इसको ये हर टाइम बोलती है मेरे को ही दिखाओ, बोल मेरे को ही दिखाओ। ये देखो मेरी डॉल तो गाइस ये निकाल दी है यहाँ पे कापली, और ये यहाँ पे तड़का लगाने के लिए कड़छी रखी हुई है मम्मी की, और उस पर तेल और सरसों डाल रखा है, सरसों ये बोला नहीं हाँ घरिया डाल रखा है, और इसका तड़का यहाँ पे लगाना है। अब बोलना क्या है भाई, इसको देखो यहाँ ये कुल बोलती है मेरे को ही बता, बल यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से दिख रहा है, बैक कैमरे से बना रही मैं वीडियो, दिख रही है तू, और ये कुल बोलती है मेरे को ही दिखाओ बल, किसी और को कहाँ से दिखाना है। यहाँ पे देखो मैं मम्मी को मस्त कापली भात बना रही, यहाँ पे मेरी भाभी केड़े लेकर आ चुकी है, कच्चे केड़े उधर लेके गई और सूखे वाले केड़े जलाने के लिए ला गई है। और बाकी ये देखो इस कड़छी पे आग जल गई, अब ये छाँ होगा भाई इसको देखो डर के बाहर भाग गई ये देखो ये लग जा अभी इसको मेरी मम्मी थोड़ा से वहाँ पे पकाएगी, उसके बाद इसको घोड़ना शुरू कर देगी, फिर पड़ेगा इसमें मांड जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, और फिर हमारी कापली बनके तैयार है। ये थोड़ा ऐसे करते हैं इसको। तो गाइस यहाँ पे देखो फिर से घमजाल होने लग गई है, घाम भी और बारिश भी एक ही साथ होने लग गई है यहाँ इस साइड पे, यहाँ पे ये कोहरा लगा हुआ है, वहीं पे उसके बगल में धूप भी खिली हुई है, और बाकी इस साइड तो नहीं आ रखी है अभी धूप, और यहाँ देखो इस साइड फिर से धूप आने लग गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार फिर से धूप और छाँव होने लग गई है। अभी पूरा मौसम पैक हो चुका था और अभी देखो फिर से यहाँ से मौसम खुलने लग गया है, और देखते हैं आज कितनी बार मौसम अपना रंग बदलता है, कितनी बार अपनी हमें पागल बनाता है धूप बारिश कर करके। और आज रात को ना इतना भयंकर वाला आसमान गरजा है ना, बता नहीं सकते। तो इस महीने मम्मी ऐसा ही गरजता है ना आसमान, है ना मम्मी, इस महीने ऐसा ही गरजता है ना आसमान, क्या बोलते हैं इसको, क्या महीना हर
हाँ यही बोल रही मैं, इंग्लिश में तो सब जानते हैं, मैं गढ़वाली में पूछ रही मम्मी, तुम बताते नहीं हो यार। और यहाँ पे हमारा राई और पालक का कापली बन के तैयार है, वैसे ही धूप सेक रहे हैं और आरोही फिर से ऊपर भाग चुकी है और घमजाओ तो होने लग गया है। देखते हैं आज फिर कैसा कैसा रहता है मौसम, अभी कितनी बार अपना रंग बदलता है मौसम, वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे दोस्तों। ठीक छो। तो यहाँ पे देखो बड़ा ताकला कर रहे हैं भाई, ऊन ताक रहे हैं। मई बीड़ो मत हो, मैं तुम गणो तुम फोन भागिए ना आवा। तो गाइस ये मेरे ताऊजी, ताऊजी ऊन का एवड़े क्या चिंतुम बनोना दो। हाँ दो तो बड़ा जी दो को बना रहे हैं बल ऑन का। ये देखो आप तो ऐसे कहीं बनाते भी नहीं है। और यहाँ पे देखो ताऊ जी बारिश में भी काम पे लगे हुए हैं भाई। बड़ा हेलो करा, हेलो बुन, हेलो हाथान भी करा। हाँ हेलो। ये देखो मेरे बड़ा जी हैं ये ताऊ जी। तो गाय सभी देखो हमारे घर पे एक ताऊ जी आ रखे हैं, उनके लिए चाय बनाई है खाना खाने के टाइम पर, लंच करने के टाइम पे ताऊ जी को चाय दे रही हूँ, पापा के लिए भी लाई हूँ, पापा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखो और बाहर देखो धूप लगी हुई है, फिर से आ गई धूप। इसकी चुपली घुमा गए ऐसे, इसकी मुंडी ऐसे घुमा देगी मैं ऐसे इसकी मुंडी। और गाइस अभी देखो मस्त वाली धूप आ चुकी है फिर से, मौसम भी देखो साफ हो रखा है। आप मामी माँ दिल्ली बजा आड़ो इसको देखो, ये देखो मौसम साफ हो रखा है मस्त। तो गाय सभी आ गई है मस्त वाली धूप और हमने यहाँ पे गाय बाहर निकाल दिया, उनको दे रहे हैं पानी। यहाँ पे आ रही है मेरी गोदी में अंतरा और यहाँ पे हमारी बिंदुली, ये हमारी बिंदुली है, ये रेड वाली हमारी लालू और चैता है, नीचे की साइड पे हमारी मंगई है, और ये मंगई की बिंदुली है, ये लालू भी मंगली की है। और इस अंतरा को देखो, ये देखो, ये देखो इसको देखो उसको कैसे डांट दे रही है। इनको हमने पिंडा पानी दे दिया है, बाकी अब धूप रहेगी तो बाहर में रखेंगे, नहीं तो इसको अंदर बांध देंगे। रात ना मार हुई जुल टाटा भिकारी मैं पापा कर मैंने दुन 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 दुन। ये हमारी बिंदुली है, ये हमारी बड़ी बिंदुली है, पा काटते बुआ पा पा करे बुआ पा टाटा 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 टाटा। Oh, oh, oh.
गाइस, मेरी दादी और मैं आ रखे हैं मेरी बुआ के घर पे। ये मेरी बुआ जी है, ये देखो यहाँ दादी के गले पे कुछ देख रही हैं। दादी बोल रही है यहाँ पे कुछ हो रखा है तो उसको देख रहे हैं। एक चाची जी और आ रखी हैं, वो साइड बैठी हुई हैं, मेरी चाची जी हैं। और ये आज बुआ जी के घर पे आए, दादी ने कहा चलो बारिश के मौसम में क्या करना, तेरी बुआ के घर पे चलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। बाकी ये देखो यहाँ पे बुआ जी बैठी हुई हैं चूल्हे के बगल में, वो वैसे ही आग सेक रहे हैं, वैसे ही गप्पे लगा रहे हैं। तो इनकी गप्पे हम होने देते हैं और मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाती हूँ एक बार। ये तब तक गप्पे लगा रही है तो एक बार बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ आपको। चलिए बने रहिए वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी अच्छी कमेंटें भी करें। तो ये देखो गाइज, ये मेरे गांव का व्यू दिख रहा है कुछ मेरी बुआ जी के घर से। मतलब मेरी बुआ जी का घर बीच गांव में है, हमारा घर मतलब नीचे की ओर है, बाकी गांव ऊपर है, इधर उधर की साइड है। और ये मेरी बुआ जी का घर है। और ये देखो यहाँ पे मेरी बुआ जी के आलू लगा रखे हैं, ये आलू की खेती है, यहाँ पे पूरे आलू की पोखरी कर रखी है। और बाकी इस वाली पहाड़ी पे देखो बर्फ दिख रही है। तो गाइस फाइनली हम बुआ के घर से आ गए हैं, और बीच में एक बार मस्त वाली धूप आ चुकी थी। फिर से यहाँ से देखो इस पहाड़ी से फिर से बारिश आने लगी है। तो ये दिखा रहा है कि कल धूप है, देखते हैं कल धूप होती है या नहीं होती है, ये कल देखेंगे। और अभी आरोही को देखो अपनी दादी के साथ जा रही है। मैं मम्मी गौशाला के लिए रेडी हो चुकी है, हमारी आग जल चुकी है खाना बनाने के लिए। बाकी आरोही यहाँ पे इसको हम अंदर खकवाड़ेंगे, आग जल गई है, रात हो गई ना तो इसलिए नहीं जाना है अब। तो गाइस इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, फिर मिलेंगे अगली ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों। ख्याल रखिए अपना भी, अपने परिवार वालों का भी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जहाँ भी रहे व्यस्त रहे, देखते रहे मेरे ब्लॉग। अच्छी लगे तो कमेंट करना, खूब शेयर करना दोस्तों। बाय बाय।